हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डीयू के स्टूडेंट हो, चाहे सोल के स्टूडेंट हो, चाहे एनसीबैप के स्टूडेंट हो, अगर आप फोर और सिक्स सेमेस्टर यानी सेकेंड और थर्ड ईयर से बिलोंग करते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो हम फोर और सिक्स सेमेस्टर के लिए अपडेट दे रहे हैं और जो ज़रूरी अपडेट होती है वो ही हम आपसे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन क्या हो रहा है उसकी हम अपडेट देते हैं। जो फाइनल अपडेट रहता है, जो भी जैसे अपडेट रहता है आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हम आपको देते हैं। और जब भी हम अपडेट देते हैं, या तो उसका कोई सोर्स रहता है या हमारी जो टीम होती है उसको वेरीफाई करती है, तभी जाके हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बिना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, फोर और सिक्स सेमेस्टर के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी कम वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस चीज़ को मैंने नहीं छेड़ा। इसको छेड़ने का बेनिफिट कोई नहीं है। अगर मैं छेड़ूंगा फिर कल को कोई सामने वाला कहेगा कि नहीं, वो तो झूठ बोल रहा है, ये सच है, वो सच है, ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ कि देखिए, पहली चीज़ तो जो भी ये प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, जो भी ये आंदोलन हुए, जो भी हुआ स्टूडेंट के हक की बात हुई, तो साफ सीरीज में यही देखने को मिला कि ज़्यादातर जो कम्युनिटी थी, चाहे यूट्यूबर्स की हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने इनको दबाने का काम किया। आप कहीं भी देख लेना, उन्होंने एक प्रोपोगेंडा ऐसा चलाया, उन्होंने साफ बोल दिया कि कुल मिला के कुछ भी कर लो आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ देखिए, एग्ज़ाम हमारे हाथ में नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले नोटिस निकाल दिया था और बोला था कि हम ऑफलाइन लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे कोविड नहीं था। उस टाइम पे अगर मैं बात कहूँ तो कोविड की सिचुएशन काफ़ी कम थी, सबको पता है। तो देखिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टूडेंट मना नहीं कर रहा है ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, स्टूडेंट ये कह रहा है कि हमारी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई, हमें प्रॉपर क्लासेस नहीं मिली, इसी वजह से वो डिमांड कर रहा है कि ऑनलाइन की, समझ रहे हो। तो स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ऑफलाइन देते हुए आ रहा है, ऑनलाइन देने का उसको शौक़ नहीं है। बट इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप खुद समझदार हो, तो उन्होंने ऐसा एक तरफा वो चलाया जिसके कारण ये जो भी हुआ वो सब दब गया। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ, हाई कोर्ट में याचिका गई, वहाँ खारिज हो गई, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, अगर कुछ स्टूडेंट थोड़े पैसे खर्च करके डोनेशन लेकर अगर याचिका डाल भी रहे, तो भी उसके बावजूद आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई फ़ायदा नहीं है? देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज़, आज की जो वीडियो होने वाली, मैं साफ सीधी कह दूँ कि कुछ फेक्स जो खबर है, मतलब कुछ न्यूज़ है, वो फैलाई जा रही है। जैसे ये आर्टिकल है जो काफ़ी वायरल किया गया व्हाट्सएप के थ्रू, इसे बोला गया है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने फ़ोन किया है डीयू के बीसी योगेश सिंह को, बताओ, एजुकेशन मिनिस्टर ने, और बोला है कि स्टूडेंट का मैसेज हमें मिला है और ओबी के लिए जो प्रोटेस्टिंग हो रहा है उनका जो, मतलब उन्होंने एक साफ कहा है कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम करा लो, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मेंटेलिटी हालत, जो उनकी मानसिकता है, मतलब जो जैसे कहते हैं गर्मी वगैरह में कर रहे हैं, तो वो उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा इस बारे में, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की प्रॉपर, जो भी है। तो उन्होंने साफ सीधी कहा है ऑफलाइन एग्ज़ाम को ओबी मोड पर करवा लो, ऐसा इन्होंने इस आर्टिकल में लिखा हुआ। तो मैं तो साफ कह रहा हूँ ये फेक है, ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप वेरीफाई कर लेना, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन तक ये अपडेट पहुँच जाती है और फिर उनको लगता है कि अरे नहीं सर जी, ये तो ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं, फिलहाल तो ऑफलाइन ही है, ये फेक न्यूज है। दूसरी अपडेट, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि डीयू के कुछ कॉलेजेस हैं जो कोविड-19 के चलते अपने प्रैक्टिकल पोस्टपोन्ड करेंगे, आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। उस पर भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं कि सर अभी तक नोटिस नहीं आया। तो भाई, मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है। पहली चीज़, सोल के अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं होते, रेगुलर के अंदर ओनली प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो रेगुलर के कुछ कॉलेजेस, देखिए रेगुलर के अंदर 90 से ज़्यादा कॉलेजेस है, समझ रहे हो, 90 से ज़्यादा कॉलेजेस है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते, अगर ऐसे कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उनको बाद में देने का मौका मिलेगा, फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं एग्ज़ाम, नहीं सब प्रैक्टिकल। तो देखिए, मैंने उस न्यूज़ को शेयर क्यों किया, उससे ये पता तो चल गया कहीं ना कहीं कोविड अब उस स्तर तक बढ़ रहा है,
अब 1300 केसेस रिकॉर्ड किए गए, ये कोई नहीं बताएगा आपको, आप खुद टेलीविज़न पे देख लो आपको पता चल जाएगा। बट अगर आपको कोई कोविड के बारे में कोई अपडेट कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी बंदा वीडियो में ये नहीं कह रहा कि कोविड इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। हम तो इसके बारे में टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ शेयर है, सोर्स के साथ हम शेयर करते हैं। केसेस बढ़ रहे, सही बात है, जहाँ 50-60 आते थे आज 1000 से प्लस से ऊपर आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 5% तक पहुँच जाने वाला है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए पोस्टपोन की खबरें ऐसे निकल के सामने आ रही है। अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए, ना ही ऑफलाइन कैंसिल हुए, एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन ही कराने के बोला गया है, क्योंकि इसके लिए 11 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, मई के। अब फाइनल डिसीजन के बारे में मैं बात करूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। याचिका डाली हुई है, सुनवाई होगी, उसके बाद ही आएगा, टाइम लगेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि पेपर के दौरान आए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर नहीं होंगे। पेपर अगर कोई स्टॉपेज नहीं है तो पेपर तो होंगे ही, अगर आप नहीं दे पाओगे तो वो तो आपका ही रीज़न हो सकता है, बट एग्ज़ाम तो होंगे। अगर कोर्ट उससे पहले कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, तो फिर हमें कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल तो यही मैं कहूँगा, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, जल्द से जल्द सुनवाई होगी, 2 से 4 दिन के अंदर मुझे लगता है, उसकी अपडेट मैं डाल दूंगा वीडियो के थ्रू या एक आर्टिकल के थ्रू मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ऐसी फेक न्यूज़ से आप बचें, ये जो फेक न्यूज़ फैलाई गई है। दूसरा, जो भी आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हो, जैसे किसी भी न्यूज़पेपर का, तो आप ध्यान से पढ़िए उसे। अगर उसमें पोस्टपोन की खबर लिखी हुई है तो कुछ तो वजह होगी कोविड 19 के चलते हुए। अगर डीयू कॉलेज ये कह रहे हैं कि हम सेकंड फेज में ले लेंगे इनका प्रैक्टिकल, तो यानी कोविड बढ़ रहा है, उनको दिख रहा है कि स्टूडेंट पॉजिटिव होने के बावजूद कैसे देगा। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए, ऑफलाइन एग्ज़ाम में 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है, 2.5 लाख से ज़्यादा होंगे, क्योंकि दोनों सेमेस्टर के हैं। तो जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएगा, माँ कितनी भीड़ होगी। इसके लिए ना कोई गाइडलाइन निकाली गई, कैसे क्या होगा, कैसे मैनेज करोगे। जब पता है दिल्ली के अंदर हालात ऐसे, उसके बावजूद भी आप सोच सकते हो, SOP वगैरह कुछ भी रिलीज नहीं की गई है। अब देखने वाली बात है क्या होता है, फिलहाल भी टाइम है। मैं तो यही कहूँगा, जितने भी ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने देखा है कई ऐसे स्टूडेंट है वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि सर नहीं, सर फलाना तो ये बोल रहा था, उन्होंने कहा है कि कोसी भी हालत में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, जो चीज़ आप सुनोगे वही चीज़ आप मानोगे। अगर कोई चीज़ खबर जैसे किसी को बारे में कोई अपडेट करता है आपको, अगर आप वो देखते हो तो आपको पता चलता है। अगर कोई उसके बारे में नहीं बताया तो आपको यही लगता है कि नहीं, यही सच है, वो झूठ है। बाकी तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप एक काम किया करो, अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की कोई भी अपडेट हो जैसे चाहिए होती, जैसे कि प्रोटेस्ट वगैरह कोई कवरअप तो होता नहीं है वेबसाइट वगैरह पे, इसलिए न्यूज़ लोकल जो न्यूज़ होते हैं, जैसे आपके कोई भी न्यूज़पेपर हो गए, उन्हीं में आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे हो रहा है, अगर ग्राउंड जीरो लेवल पे जाएँ तो। तो फ़िलहाल मैं तो यही आपसे कहूँगा कि अभी का जो अपडेट यही है, एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन ही होंगे फ़िलहाल के लिए, यही है। क्योंकि अभी तक ना कोई मिनिस्टर ने फ़ोन किया है, ना ही किसी ने इंटरफेयर किया है। और मैं आपसे यही कहूँगा, स्टडी कीजिए, कैसे करनी है, बुक्स नहीं है, बाहर से खरीदिए, बट एग्ज़ाम तो अभी फ़िलहाल होंगे, ठीक है। और अगर 2 से 4 दिन के अंदर कुछ गुड न्यूज आती है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है मैं आपसे शेयर ना करूँ, हर चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट आपसे मुझे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है जो सामने वाला कुछ कह रहा है कि वो ही सच बोल रहा हो, ठीक है। हर एक इन्फॉर्मेशन की 2 पहलू ज़रूर होने चाहिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसी 2 पहलू ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष आपको दिखाया जा रहा है, दूसरा पक्ष भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें तो कोई अपडेट नहीं मिली, ऐसा नहीं है। हम देखिए, हम तो हर चीज़ का कवरअप करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है, पावर है आपके पास, आप हर चीज़ कर सकते हो। बट मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बुक्स वगैरह नहीं है तो थोड़ा टाइम दे दिया जाए स्टूडेंट को, ठीक है। तो बाकी देखते क्या होता है। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो पोस्टपोन वाली जो खबर थी वो बिल्कुल सच है, DU के कुछ कॉलेजेस प्रैक्टिकल को पोस्टपोन कर रहे हैं कोविड 19 के चलते हुए, और बाद में उनको देने का मौका मिलेगा। और इसी को किसी ने भी बोला होगा कि नहीं ये तो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लेना जाके इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है, पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश का है, उसमें पढ़ लें, हिंदू में भी छपा हुआ है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।